राजस्थान में हर किसी को पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में खटास है और बीते कई बार दोनों के बीच शीत युद्ध देखने को मिल चुका है। खैर आते हैं अपनी खबर पर। आप द फैक्ट इंडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैफ अली नकवी की अजमेर में गुटबाजी को लेकर किए गए सवाल पर जुबान फिसल गई और उल्टा बयान दे दिया। दरअसल अजमेर सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं की प्रेस वार्ता थी, जहां सैफ अली नकवी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि हमारी पार्टी में मतभेद नहीं है और मनभेद होना तो स्वाभाविक है। बता दें कि वे वहां सोमवार को कांग्रेसियों की बैठक लेने सर्किट हाउस पहुंचे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है, मनभेद होने तो स्वाभाविक है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हुआ है, इसके अलावा अन्य कोई भी फैसला इसी तरीके से हुआ है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट के सवाल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अभी प्रोसेस चल रहा है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। कांग्रेस की जिस दिन लिस्ट आएगी जनता के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि ये डिसाइड करना सबसे पहले जनता का काम है, उसके बाद जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अब देखते हैं कि राजस्थान में देखना क्या होता है, जनता क्या निश्चय करती है, क्या तय करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।